कैमरा पर्सन वो तस्वीरें दिखाएंगे, आपको दिखा सकता हूँ किस प्रकार नोटों की मालाएं सराफा बाजार में लटकी हुई हैं, और व्यापारियों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो 2000 के नोट बंद करने का फैसला RBI ने दिया है, क्या उनका फैसला कैसा सही है या गलत है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? गौरव अग्रवाल। हाँ साहब, तो नोटों के व्यापारी हैं, काम ही आपका बहुत पुराना है। सरकार का एक फैसला भी सुना है आपने, देखा होगा कि RBI ने मना कर दिया कि अब 2000 के नोट नहीं चलेंगे। एक समय सीमा भी दी गई है कि 23 मई से आप 30 सितंबर तक नोटों को बैंकों में जमा कर सकते हैं, तो कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये बिल्कुल ठीक फैसला, क्योंकि यहाँ तो छोटे हार बिकते हैं, 100, 200, 500, ज़्यादा 5000 रुपये का हार, तो ज़्यादातर छोटा ही व्यापारी आता है। तो कम व्यापारी भी सराफा बाजार में आप देखते होंगे, तमाम करोड़ों रुपये का काम होता है। तो बड़ा व्यापारी जो आएगा वो सराफे में आएगा, ये बड़े व्यापारी पर आएगा, छोटे व्यापारी को तो फर्क नहीं पड़ेगा, बड़े व्यापारी को फर्क पड़ेगा। देखो मामला ये आएगा, क्या ये फैसला आपकी नज़रों में सही है RBI का? देखिए, छोटे व्यापारी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, बड़े व्यापारी को क्या फर्क पड़ेगा? छोटे व्यापारी को क्या है, मतलब 500 रुपये कमाने वाला, 300 रुपये कमाने वाला, जैसे हमने हार दिया 100 रुपये कमा दिया, 50 कमा दिया, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी 2000 के नोट का भी आपने हार बनाया है? ना, कोई नहीं आता, ज़्यादा 5000 का हार, 2000 का हार, 1000 का हार, 500 हार, बस रकम इतना ही सुपर लेने को लेता। सर ये उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और सराफा बाजार के हम चौक पर मौजूद हैं, कुछ व्यापारी हैं, उनसे उनकी राय पूछेंगे। जी भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है भाई साहब? विकास अग्रवाल। विकास जी, क्या कुछ कहेंगे, RBI का फैसला तो आप देख ही चुके होंगे, 2000 के नोट बंद हो चुके हैं, क्या फैसला सही है? बिल्कुल सही है जी। मैं कुछ बता रहे हैं कि ये फैसला सही नहीं है, 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उनको इन चीज़ें जोड़ा जा रहा है। वो गवर्नमेंट का था, ये RBI का आदेश है, फ़र्क है दोनों में। ये गवर्नमेंट ने बंद नहीं करा, ये RBI ने बंद करा है, क्योंकि अभी बीच की सीरीज पूरी नहीं थी, 1000 का नोट नहीं था मार्केट में, 2000 का बंद करके 1000 का नोट आएगा, 350 का नोट आएगा, इसलिए 2000 का नोट बंद करा गया। ये भी बताया जा रहा है कि 2000 के नोट बंद होने का कारण यह कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। भ्रष्टाचार क्या खत्म होगा, 2000 का नोट तो पहले ही बैंक जो ले रहा था वो वापस दे ही नहीं रहा था, तो किसके पास होगा? जिसके पास होगा वो दो नंबर का काम करेगा। कुछ ये भी मानना है कि व्यापारी डर चुका है बाजार में, वो रौनक नहीं है, कहीं ना कहीं जो पैसा है आज भी कहीं ना कहीं छिपा रखा है व्यापारियों ने। ऐसा कुछ नहीं है, आज भी हमारे पास 2000 के बहुत नोट आए हैं और हम रेगुलर ले रहे हैं। आज भी नोट आए हैं, लगभग कितना अमाउंट आया होगा? 8-10 नोट आज भी आए हमारे पास। गवर्नमेंट RBI ने टाइम भी दे रखा है, 5 महीने का टाइम दे रखा है, आप 10-20 नोट डेली बैंक में जमा कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये घबराने वाली स्थिति नहीं है, साफ तौर से RBI के दिशा निर्देश है। बिल्कुल, ये तो RBI के द्वारा करा गया है, 5 महीने कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। तो दर्शकों में आपको दिखाऊंगा, थोड़ा कैमरा पर्सन अंदर आएंगे, वो नोटों की तस्वीर भी दिखा सकते हैं जिसमें 50, 20, 10 के नोटों की माला है। मगर एक समय वो हुआ करता था कि कभी कभी हम देखे 2000 के नोट की मालाएं भी होती थी, क्या वाकई में प्रचलन था उनका? 2000 के नोट की जो माला बनती है वो सिर्फ ऑर्डर पे बनती है, ऑर्डर पे बनती है। हाँ, 500 की तो हमने भी काफ़ी देखी है मार्केट में, 500 की तो रेगुलर मिलेगी, 2000 के नोट की जो माला होगी उसमें सिर्फ 90 नोट 2000 के लगते हैं, बाकी 500 के ही लगते हैं, ज़्यादा अमाउंट का 2000 का नहीं लगता। स्वामी रामदेव बाबा भी इस चीज़ को काफ़ी टाइम से उठा रहे थे कि बड़े ही नोट बंद हो जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार से इसका कोई लेना देना नहीं, ये तो RBI का बंद है, RBI के दिशा निर्देश है, इसमें भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, उसको लेकर जब ब्लैक मनिंग होती है पहलू की आपने देखा होगा। देखो, चुनाव में जिसने पैसा लगाना है वो लगाएगा, चाहे ब्लैक लगाए, चाहे व्हाइट लगाए, चाहे रिश्तेदार से मांग के लगाए, किसी दूसरे के द्वारा लगाए, वो लगाएगा ही, उसे कोई नहीं रोक सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया विकास जी बात करने के लिए। तमाम और कुछ व्यापारी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी चाचा नमस्कार, क्या कुछ कहेंगे, नोट बंद हो चुके हैं 2000 के? जी, नौ राय आपकी, सही है फैसला आपकी नज़र? फैसला तो सही है, लेकिन भैया जो है ना, काला धन वाला मार्केट में घाग नहीं है, काले से मार्केट से गायब भी हो चुका है घाग। मार्केट में तो कुछ रहा ही नहीं, सब सन्नाटा पसरा हुआ है, ठीक है। तो क्या डर का माहौल है? कोई डर नहीं है, क्या दिक्कत है करिए। RBI तो कह रही है पैनिक, घबराहट होने वाली बात ही नहीं, समय सीमा दी गई है 4-5 महीने का समय आपके पास। नहीं, 4-5 महीने का समय सीमा ठीक है, लेकिन वो जो काले धन वाली बात है ना, तो काला धन तो पहले ही बदल जा चुका जी, पहले ही बदला जा चुका है। हाँ, पिछले नोटबंदी में अरब के में ये डिफेंस हुआ है, पहले भी काला धन बदला गया पहले ही जी, अरे फिर वही चुनौती जनता के सामने है, ठीक है ना। कुछ और नोटों के व्यापारी हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो यहाँ पर मशहूर चौक है और जामा मस्जिद के बाद, उनसे बात करें। जी चाचा नमस्कार, आप तो नोटों का काम करते हैं, रात ही नोटों में रहते हैं, 2000 का नोट नहीं दिखाई दे रहा, मार्केट से गायब ही हो गया क्या? जी गायब गया, तो बस अब तक तो आ जाता, अब गायब हो गया। हमसे आपने देखोगा RBI के दिशा निर्देश हैं कि 2000 का नोट बंद होने जा रहा है, हालांकि समय अवधि है आपके पास में 23 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक, क्या कहेंगे? और हम तो यही कहेंगे, फिलहाल जब आगे नहीं चलेगा तो हम भी नहीं लेंगे, और क्या है, यही बात है। कुछ बता रहे हैं कि व्यापारियों में डर का माहौल है कहीं ना कहीं, भाई यही है, अगर नोट आएगा भाई लेना नहीं है, क्यों हम जहाँ से नोट आते हैं वो नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे लेंगे? क्या लगता है भ्रष्टाचार खत्म होगा? नहीं, भ्रष्टाचार तो खत्म तो नहीं होगा, कि ये तो चलता ही रहेगा, ऐसे कहाँ होगा। ये बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव सर पर है, उसको लेकर ब्लैक मनी को रोकथाम करने के लिए 2000 का नोट रोका जा रहा है।
कोई रुकता तो कुछ नहीं, सब चल रहा है। तो चाचा आपसे मजाक हो रही थी। यहाँ तो जनपद सहारनपुर के चौकी चौक पर हम मौजूद थे, जहाँ पर आपने देखा तो जो नोटों के व्यापारी है, तमाम अन्य व्यापारी थे, बेबाकी से 2000 के नोट को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के धन्यवाद।